टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का फाइनल जैसे ही भारत ने जीता उसके तुरंत बाद विराट कोहली ने दिग्गज विराट कोहली ने टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्वालिविदा कह दिया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी अपने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी लेकिन रविंद्र जडेजा जो बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते रहे हैं और हालांकि इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं था जिस लेवल के भी ऑलराउंडर हैं लेकिन अंततः उन्होंने भी शाम होते होते अपने अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी करियर की समाप्ति की घोषणा कर दी अब दोबारा जडेजा का टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय में हुनर देखने को नहीं मिलेगा तो रोहित विराट और अब रविंद्र जडेजा का सन्यास हुआ है अगर रविंद्र जडेजा के अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी करियर पर नज़र दौड़ाएँ तो मैं खासा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया होगा चौहत्तर मैच खेले टी ट्वेंटी में और पाँच सौ पंद्रह रन बनाए हैं बल्ले से इक्कीस की साधारण एवरेज हैं चौदह की बल छक्के थे चौहत्तर मैचों में पाँच सौ पंद्रह रन कुछ कम ही नज़र आते हैं छक्के सिर्फ चौदह थे वहीं पर बॉलिंग की अगर बात करें चूंकि रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में खेलते रहे हैं बैटिंग से अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा ने इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है लेकिन गेंदबाजी के तौर पर देखें तो चौवन विकटें हासिल की हैं चौहत्तर मैचों में पंद्रह रन दे करके तीन विकेट था इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था एक सेवन पॉइंट वन थ्री की थी तो अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी में जड्डू ने इतना बेहतर नहीं किया है इसमें कोई शक नहीं है और भले ही भारत चैंपियन बना हो रविंद्र जडेजा पूरे वर्ल्ड कप में इलेवन में लगातार खेलते रहे हों लेकिन मेरी तरह आप भी शायद हो सकते हैं कि राय सेम मिलती नजर आए कि रविंद्र जडेजा को इलेवन में जगह नहीं बनती थी नहीं खेलना चाहिए था लेकिन कप्तान रोहित ने बराबर मौके दिए लेकिन कमी रही तो रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन में उतना बेहतर इम्प्रेस नहीं किया था यही एक कारण था कि और बाखूबी जडेजा ने भाप लिया था कि अब दोबारा से उनको अंतर्राष्ट्रीय टी में उनका चयन नहीं होने वाला है और समय की नजाकत को देखते हुए रविंद्र जडेजा ने यह फैसला किया है तो तीन तीन दिग्गज जिन्होंने टी टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय को छोड़ दिया जिस सबसे पहले थे उसमें विराट कोहली रोहित शर्मा थे लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट बाद में किया था और रविंद्र जडेजा ने भी अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके आप जरूर बताएं